मार्च का महीना चल रहा है और इतनी गर्मी में अगर आपको इतनी गाढ़ी गाढ़ी और ठंडी ठंडी लस्सी मिल जाए पीने के लिए तो बात ही कुछ और है। तो क्या ख्याल है, देख करके पीने का मन कर रहा है ना? तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, फटाफट से ये रेसिपी को पूरा देखिए और इतनी गाढ़ी और इतनी ठंडी ठंडी लस्सी को अपने घर पे बनाइए और पी करके इसका आनंद लीजिए, मज़ा ही आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और मेरे चैनल टेस्टी फूड विद नेहा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाढ़ी लस्सी बना करके दिखाने वाली हूँ घर पे बहुत ही आसान तरीके से। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक गिलास और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पाउडर शुगर, तो ये एक चम्मच और ये दो चम्मच। अब इसमें मैं डालूँगी, ये देखिए बिल्कुल गाढ़ी दही है, इसे मैं गिलास में डालूँगी। अब इसके बाद हम इस तरीके से कोई विस्कर ले लेंगे या फिर अगर आपके पास मथानी हो तो आप वो ले लें और अब इसमें हम इसे डाल देंगे और फिर इस तरीके से इसे चलाएंगे। चाहे तो इस तरीके से भी चला सकते हैं, तो क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी है तो मैं इसमें थोड़ा सा ये दही का ही पानी डालूंगी और फिर से हम इसे चलाएंगे। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ रोज़ का एसेंस, ये मैं लगभग 4 से 5 बूंद इसमें डालूंगी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आएगा। और फिर से चलिए इसको मिक्स करते हैं। तो लीजिए थिक लस्सी बन करके तैयार है घर पर। लस्सी आपकी सर्व करने के लिए तैयार हो चुकी है। मैं बस इसे थोड़ा सा ऊपर से रोज सिरप से गार्निश करूँगी, थोड़े से मैं ऊपर से इस पर काजू डालूँगी। आप भी चाहें तो इसी तरीके से डेकोरेट करके अपने घर पे दे सकते हैं सर्व करने के लिए। तो लीजिए लस्सी बन करके तैयार हो चुकी है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।